ये लेस को बेसिक पिकॉट स्टिच से बनाएंगे। इसके लिए आप मेरा बेसिक वीडियो भी रिफ़र कर सकते हैं पिकॉट स्टिच का। और ये 3 रोज़ में बना सकते हैं, 2 रोज़ में बना सकते हैं। आपको जिस तरह डिज़ाइन चाहिए आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो पहले मैं फर्स्ट रो बना रही हूँ, फिर इसके ऊपर सेकेंड रो किस तरह से ऐड करते हैं वो सीखेंगे। थ्रेड को अटैच करेंगे, राइट साइड में रखा है थ्रेड को, लूप को इस तरह से सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब ये जो स्पेस बनाया है इसमें निडल को इंसर्ट करना है, और 1 2 3 थ्री टर्न्स लेके बड़ा पिकॉट बनाना है, इसलिए 3 टर्न्स ले रहे हैं, नहीं तो 2 से स्मॉल पिकॉट बनाते। तो हम थोड़ा सा बड़ा पिकॉट बनाएंगे। इस तरह से बुलियन स्टिच बनाया, सेम स्पेस में इस तरह से निडल को मैंने इंसर्ट किया, और इसके ऊपर लूप को लेके आएंगे जिस तरह से हम पिकॉट स्टिच बनाते हैं। इसे होल्ड करेंगे और ऊपर से इस तरह से पुल कर देंगे इस तरह से, तो बराबर से इस तरह से पिकॉट बन जाएगा। तो ये फर्स्ट पिकॉट बना है। अब हमको कंटिन्यूसली लाइन में, रो में पिकॉट बनाते जाना है पिकॉट्स। तो ये अब मैं सेकेंड पिकॉट बना रही हूँ, 1 2 3। तो इस तरह से लाइन में आप पिकॉट बनाते जाएं और फर्स्ट रो को कंप्लीट करें। तो सेम पैटर्न को कंटिन्यू करें और पिकॉट को, ये रो को कंप्लीट कर दें। पिकॉट की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब इसके ऊपर सेकेंड रो किस तरह से बनाते हैं हम वो सीखेंगे। ये जो फर्स्ट पिकॉट है तो इसके अंदर हमें निडल को इस तरह से इंसर्ट करना है और ये थ्रेड को अटैच कर देना है। ये थ्रेड यहाँ पर अटैच हो गया है। अब सेकेंड पिकॉट पे जाना है, राइट साइड में रखा है थ्रेड को लूप बनाते हुए, और यहाँ पर ये थ्रेड अटैच हो गया। अब इसके बीच में जो स्पेस बनी है इसमें निडल को इंसर्ट करके 3 टर्न लगाना है, बुलियन स्टिच बनाना है, और इसके ऊपर पिकॉट बनाएंगे। अब सेम स्पेस में मैंने निडल को डाला और इसके ऊपर लूप को लेके आए और इस तरह से होल्ड करेंगे और पुल कर देंगे। तो ये पिकॉट यहाँ पर बन गया सेकेंड रो का। अब सेम कंटिन्यू करेंगे सेकेंड, ये जो नेक्स्ट पिकॉट है इसमें जाएंगे, स्पेस बनाएंगे, ये स्पेस में इस तरह से निडल को इस तरह से रखते हुए थ्री टर्न लेके सेम स्पेस में रखा है और लूप को इसके ऊपर लेकर आएंगे। सेकेंड पिकॉट बन गया। तो इस तरह से सेम कंटिन्यू करते रहेंगे और ये सेकेंड रो को इस तरह से कंप्लीट करते हैं। तो ये पिकॉट के ऊपर पिकॉट बनते जाएंगे।
तो इस तरह से ये रो को कंप्लीट करें आप। तो इस तरह से ये सेकेंड रो कंप्लीट होगी। अब इसके ऊपर थर्ड रो ऐड करेंगे। तो ये फर्स्ट पिकॉट है सेकेंड रो का, इसमें निडल को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर थ्रेड इस तरह से अटैच कर देंगे। अब नेक्स्ट पिकॉट के स्पेस में जाएंगे इस तरह से, और लूप को राइट साइड में रखते हुए इसे भी अटैच कर देंगे। एक सिंगल स्पेस क्रिएट कर दिए। अब इसकी के ऊपर भी हमें पिकॉट की एक थर्ड रो पिकॉट से ही बनानी है, तो 3 टाइम रैप करें। ये बुलियन स्टिच बन गया। सेम स्पेस में इंसर्ट करें, लूप को इसके ऊपर इस तरह से डाल दिए और इसे होल्ड करके रखेंगे जिस तरह से पिकॉट बनाते हैं। तो ये फर्स्ट पिकॉट फॉर्म हो गया। अब सेम रिपीट करते हुए सारे पिकॉट के टॉप पर एक न्यू पिकॉट की लेयर बनाएंगे, रो बनाएंगे। तो सेम रिपीट करते हुए थर्ड रो को कंप्लीट करें। अब देखेंगे कि फाइनल रो को ऐड कैसे करते हैं। इसे एंड करना सीखेंगे और इसे लॉक करना सीखेंगे। तो इस तरह थ्रेड रखेंगे राइट साइड में लूप रखते हुए, और ये जो स्टिचेस है इसमें निडल को इंसर्ट करते हुए इस तरह से थ्रेड को लॉक करते हुए आएंगे। और ये जो पहले के भी सारे थ्रेड है वो भी लॉक होते जाएंगे इस तरह से। लास्ट में यहाँ पर एक सिंगल स्टिच बनाते हुए इसे और ये पहले के जो धागे हैं सबको लॉक कर देंगे। इस तरह से अब यहाँ पर जितने भी थ्रेड थे सारे ये स्टेज में लॉक हो जाएंगे।